विदा। नेक्स्ट विधि क्वेश्चन हमारा जो है दिस इज अगेन बेस्ड अपॉन द केस स्टडी। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको कहा गया है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप इज ए डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस विजिबल लाइट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक करंट। भी इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में आपको बताया गया है, जैसे आप वैसे भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक लैंप जो है ये हमें विजिबल लाइट ही देता है। इट इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग एंड इज एसेंशियल टू द मॉडर्न सोसाइटी। तो बिल्कुल ठीक बात है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बिना हमारा गुजारा नहीं है आज के दिन में। और आपको कहा क्या गया है, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। इलेक्ट्रिक लैंप है बच्चों, इलेक्ट्रिक लैंप इसका डियर चिल्ड्रन रेजिस्टेंस जो है ये 20 ओम आपको दे रखा है। एंड फर्दर मोर एंड मैं रिपीट करूंगा डियर चिल्ड्रन, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम। एक कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बेटे 4 ओम है। दीज आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम आपको एक सर्किट डायग्राम रादर दिया हुआ है। इट इज प्रोबेबली ऑफ दिस टाइप, दिस वे, एंड हियर लाइज द इलेक्ट्रिक लैम्प। एंड यहां पे आपके पास एक बैटरी है, आपको एक एमीटर भी दे रखा है और आपको की स्विच ऑन पोजीशन में दी गई है दिस वे। सो दिस इज विद ए 4 ओम, ये बच्चों 6 वोल्ट बैटरी आपको दे रखी है उन्होंने, ये की है और ये आपका बेटे सर्किट सेटअप आपको एस एच दिया हुआ है। नाउ लेट अस सी कि हमने करना क्या है बेटे इस सिचुएशन में। आपसे पूछा क्या गया है, रादर पहला पार्ट है बेटे इसके स्टडी क्वेश्चन का, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो डियर चिल्ड्रन कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं। यस बिल्कुल ठीक बेटे, बिल्कुल ठीक दोनों आपके। एक मिनट बेटे वेट करिएगा, 20 ओम का कंडक्टर है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा। कंडक्टर जो है बेटे ये आपको उन्होंने जो कंडक्टिंग वायर्स दी गई है ना, इनके ही रेजिस्टेंस को उन्होंने 20 बोला हुआ है, जो सारी जो वायरिंग हुई हुई है। सो आइए बेटे मैं एक बार आपको ऑप्शंस भी लिख दूं, देन इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ अस। 20 ओम, देन बेटा दिस इज 4 ओम, देन बेटा 24 ओम, देन बेटे इट इज 12 ओम। ये बेटे चीजें हैं हमारे पास। सो ये 4 ओम का रेजिस्टर तो है ही है, बाकी सारी वायरिंग जो हुई हुई है उसका 20 ओम है, तो दिस ऑल माइट बी इन सीरीज बेटे, तो आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इट विल बी ऑटोमेटिकली और ऑब्वियसली 24 ओम बेटा। सेकंड पॉइंट है आपका फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट, फाइंड द करंट थ्रू द सर्किट बेटे। और बच्चों आपको ऑप्शंस जो दी हुई हैं 0.25 एम्पियर, 0.50 एम्पियर्स, 1 एम्पियर एंड डी ऑप्शन है 4 एम्पियर बेटा। वेरी नाइस नेना, बहुत बढ़िया पुत्र। देखो आर तो आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, हाँ जी अर्शीन बेटे ठीक है, आर आपके पास ऑलरेडी है और आपका जो करंट आई होगा दैट विल बी वी अपॉन आर,
सिक्स वोल्ट है, आर 24 है, दिस इज 1/4 एम्पियर यानी 0.25 एम्पियर। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है बेटा। देन डियर चिल्ड्रन लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन बेटे। ठीक है जी निष्ठी बेटा, वेरी नाइस। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लेंथ। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लेंथ। आपको जो बच्चों ऑप्शंस दी हुई हैं, 5 वोल्ट, पहला ऑप्शन है 5 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन 10 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन इट्स 15 वोल्ट एंड फोर्थ ऑप्शन इट्स 20 वोल्ट बेटी। ये हाँ जी बेटी ठीक है, किसी बच्चे ने कुछ लिखा था, आई कुड नॉट सी दैट। आपके पास बल्ब है लेकिन बल्ब की कोई आपको रेटिंग नहीं दी हुई, 5 वोल्ट अरमान ठीक लग रहा है मुझे, तो फिर भी सारे स्टूडेंट्स एक बार वेरीफाई कर लीजिए, सारे बच्चे बेटे एक बार वेरीफाई करके देखिए कि व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी। आपको हाँ जी बेटे ठीक है जी अर्शीन। देखिए बेटे डियर चिल्ड्रन, आपका जो इलेक्ट्रिक लैंप है और जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर जो है, ये टोटल 20 ओम का रेजिस्टेंस बेटे जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे सर्किट में। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट बेटे व्हाट विल हैपन, आपके पास करंट डियर चिल्ड्रन ऑलरेडी है और आप इस करंट को इसके अक्रॉस इतना रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आई इन टू आर करने पे 0.25 एंड आर दिस इज 20 और दिस इज इक्वल टू 5 वोल्ट आ रहा है बेटा। यस सो इन दिस वे बेटे आप जो है ठीक है बेटे ठीक है, वेरी नाइस बहुत बढ़िया जी। सो चलिए बेटे आगे चलें विद द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब आप कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए, फोर्थ पार्ट है आपका बेटा। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। नहीं 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 अरमान, फोर्थ है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। कंडक्टर आपका जो है, ये कंडक्टर आपका लगा हुआ है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है बेटे ठीक 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 यस। एक बार अपना आंसर खुद को रीचेक कर लो सारे स्टूडेंट्स बेटा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस आपके पास है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर आपके पास है एंड यू नो दैट B इज इक्वल टू आई एन टू आर। I 0.25 है, R आपका 4 है, इट विल बी 1 वोल्ट। यस ठीक है बेटे ठीक है अदिति राइट बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 हाँ जी मिस्टी गुड गुड गुड। कैलकुलेट द पावर ऑफ द लैंप बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है पुत्र, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लैंप। लैंप कितनी पावर जो है रेटिंग, कितनी पावर रेटिंग रखता है इसको देखिए बेटे करके एक बार। पावर लैंप की देखो बच्चों करके कितना आ रहा है उत्तर, और बताइए पावर का ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शंस आपके पास हैं डियर चिल्ड्रन 2 वॉट, सेकंड ऑप्शन है 1.25 वॉट, थर्ड ऑप्शन है 0.25 वॉट, फोर्थ ऑप्शन है 6.25 वॉट बेटा। ये आपको ऑप्शंस दी हुई हैं।
चेक करिएगा, 1.25 अदिति हैज कैलकुलेटेड और करेक्ट लग रहा है मुझे बिल्कुल। फरमान ठीक है, राइट बेटे राइट। लेट मी सॉल्व दिस आल्सो बेटे, वी विल इन दिस केस से दैट पावर रेटिंग आपके, हाँ जी बेटे ठीक है, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर इनटू आर कर लीजिए, आई आपका 0.25 है, इसका स्क्वायर इनटू आर आपका 20 है, तो 0.25 इनटू 0.25 इनटू 20, चेक करके देखिए बेटे आपने जैसे निकाला है, दिस इज 1.25 वॉट आपका जो है आंसर आ जाएगा। सो इन दिस वे आप इस क्वेश्चन का जो है आंसर दे सकते हैं बेटा। आइए बेटे आगे चलें विद द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, राइट बेटे राइट, सारे बच्चों का ठीक है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ऐसे काम करते जाइए। आगे है, मैं बेटे स्टेटमेंट पार्ट पहले आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा फिर मैं सर्किट बनाता हूँ। इफ टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस गेट्स अप्लाइड टू ईच ऑफ देम, सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो बेटे तभी लगेगा अगर आप पैरेलल में लगाओगे, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आपको आगे क्या कहा गया है, देन दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, चलो उन्होंने कह ही दिया, द करंट फ्लोइंग थ्रू द टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल इज नॉट द सेम, जो पैरेलल में कंडक्टर अटैच किए गए हैं, जितना करंट एक में से है दूसरे में से हो सकता है कि उतना ना हो, तो ये उन्होंने कहा है आपको। व्हेन वी हैव टू और मोर रेजिस्टेंसेस जॉइंड इन पैरेलल टू ईच अदर देन द सेम करंट गेट्स एडिशनल पाथ्स टू फ्लो एंड ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड द इक्विवेलेंट करंट, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आप उनको पैरेलल वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। आपको कहा क्या गया है कि बेटे जब आप पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को अटैच कर लेते हो, तो पैरेलल में अटैच करने के बाद करंट को फ्लो करने के लिए ज्यादा पाथ, अल्टरनेटिव पाथ्स मिल जाते हैं, और उससे क्या होता है कि आपकी सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और उस केस में बेटा आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट जो है वो यूज कर लेना है, दैट इज 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R, 1+1/R, 2+1/R, 3+4, जो जो भी रेजिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं। अब आपको उन्होंने पहला क्वेश्चन केस स्टडी में कहा है, थ्री रेजिस्टर्स 2 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम, 2 ओम, 6 ओम एंड 8 ओम, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट, इनको पैरेलल में भी अटैच किया गया है और आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है कॉम्बिनेशन का। निकालिए पुत्र जरा, सारे बच्चे, ऑल ऑफ यू बेटे ट्राई टू सॉल्व दिस इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन ऑल दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अरमान, अंकिता, शीन, चांद, श्यांग, धवनेश, दीक्षा, दोनों, देविका, इमानी, सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं पुत्र, सारे पैरेलल में लगा दिए आपने, हाँ जी पुत्र जी, पैरेलल में लगाने के बाद आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है यहां पे, ठीक है बेटे ठीक है, चलिए मैं भी करता हूं, आप देख लीजिएगा, 1/R इक्विवेलेंट, दिस इज 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/8 और, हाँ जी ठीक है जी,
इसको आप ऐसे लिखिए, दिस इज देयर 19/24 आर इक्विवेलेंट 24/19 ओम, 1.24 जितना आप निकाल रहे हैं, 6 सॉरी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है बेटे, वेरी नाइस, गुड। प्रॉब्लम नंबर 2 बेटा, इसी क्वेश्चन के अंडर है ये भी। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम, आपको एक वायर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। इट इज कट इंटू 3 इक्वल पीसेस, कट इंटू 3 इक्वल पीसेस, इसके 3 बराबर के पीसेस कर लिए गए हैं। इट इज कट इंटू 3 इक्वल पीसेस एंड देन ट्विस्टेड देयर एंड्स टूगेदर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। इनको इक्वल पीसेस में कट करके तीनों पीसेस के एंड्स जो है वो ट्विस्ट करके अटैच कर दिए गए हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है इस केस में बेटा। ऑल ऑफ यू बेटा, ट्राई दिस पॉइंट, ट्राई दिस न्यूमेरिकल रादर, वेरी गुड स्टूडेंट्स बेटा। 1.33 अरमान हैज कैलकुलेटेड, और मुझे यहां आंसर नहीं दिख रहा है, ऑप्शंस मैं लिख देता हूं क्या है। ऑप्शंस में आपको पहला ऑप्शन है 3/8 ओम, सेकंड ऑप्शन है 4/3 ओम, थर्ड ऑप्शन है 3/4 ओम, फोर्थ ऑप्शन है 5/6 ओम बेटा। यस ठीक है जी, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, 12 ओम का वायर है, इस वायर के 3 पीसेस आपने बना लिए, और इट विल मीन दैट कि हर एक पीस 4 ओम का हो गया बेटा, 4+4+4 तभी 12 होगा ना। अब आपने 4 ओम का एक, ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों को ऐसे अटैच कर दिया, चार चार ओम के रेजिस्टेंसेस को चारों पैरेलल में लग गए, 1/r इक्विवेलेंट 1/4+1/4+1/4 is 3/4 and R equivalent आ जाएगा जी 4/3 ओम, आपने कैलकुलेट कर दिया है, that's something very nice। आइए बेटे next part of the problem, next part of the question discuss करें, क्या है कैसे करेंगे, let us see to that। आइए बेटे start करते हैं। This is बेटे 3 resistors are connected as shown in the diagram। आइए देखें थर्ड क्वेश्चन में 3 resistors आपको दिए गए हैं। This is A, ये आपका एक resistor है, ये आपका इस तरीके से जी, and this is the second resistor and this is the थर्ड रेजिस्टर, ऐसे कनेक्टेड है ये, ए पॉइंट दिस इज बी पॉइंट, 6 ओम दिस इज 3 ओम 1 ओम, ये है बेटा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, आर ए एंड बी के बीच में आपको निकालना है। ऑप्शंस आपको जो दी गई है, दीज आर 2/3 ओम, 3/2 ओम, 4/3 ओम, 3/4 ओम। बच्चों चेक करिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटे, व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी, ये कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, कितना रेजिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में, और कैसे हम बच्चों कैलकुलेट करेंगे जरा चेक करिए सारे स्टूडेंट्स, व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी।
यस डियर चिल्ड्रन, अरमान, अंकिता, अजीन, बेटे कितना आएगा? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटे ऑप्शंस आपके सामने है सारी, चेक करिए और बताइए पुत्र, सुजेस्ट द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बेटा। अरमान ए, ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे, बिकॉज बच्चों देखो तीनों पैरेलल में ही है, इसमें कोई इतनी बात ही नहीं है, तीनों पैरेलल में है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो 1/r इफेक्टिव होगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/1, 6 आ गया जी, 1 + 2 + 6 = 9/6 एंड r आ जाएगा 6/9 एंड दिस इज 2/3 एंड आर आपके पास 2/3 ओम आपको मिल गया, राइट जी। यस बेटा, देन बेटे लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, आपको दिया गया है, ए बी कोई पाथ आपको दिया गया है, इसके बीच में यहां पे एक रेजिस्टेंस अटैच कर दिया उन्होंने, दिस वन, ये दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट और ये एक और रेजिस्टर है इस तरीके से, और ये एक और रेजिस्टर है इस तरीके से, दिस वे इट इज आई वन, आई टू, आई थ्री, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। आपको कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट, पहला रिलेशन है आई वन इज इक्वल टू 2, आई टू इज इक्वल टू 3, आई थ्री, ठीक है जी। दूसरे वाला है आई वन इज इक्वल टू 4, आई टू इज इक्वल टू 3, आई थ्री, सी ऑप्शन है 2 आई वन इज इक्वल टू आई टू is equal to 3i3, d option है 3i1 is equal to 2i2 is equal to i3, check करिएगा बेटा, which of the following relations जो आपको दिए गए हैं इनमें से correct कौन सा है और क्यों बेटा, check करके बताइए जरा, all of you dear children, d अरमान है, solve this बेटा, okay, ओके बेटे, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी नाइस, ठीक है जी बेटे, ठीक है, गुड। सो बेटे ये सबसे ज्यादा रेजिस्टिव पाथ है, ये उससे कम, ये सबसे कम रेशो आपके पास है, आप वैसे भी कह सकते हो आपका जो वी है वो आई इंटू आर के बराबर होता है, इसके क्रॉस दिस इज 5i1, इसके क्रॉस दिस इज 10i2, इसके क्रॉस दिस इज 15i3, i1, 2i2, 3i3 आपका पहला ऑप्शन बन जाता है बेटे, चेक करके बताइए सारे बच्चों को समझ आ गया जी, ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, यस मिस्टी, गुड, वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी चेक करके बताइए, ओके बेटा, ओके नाइस। आपको बेटे कुछ ज्यादा इसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं,
तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालकर इक्वेट कर दीजिए, इसके अक्रॉस जितना वी है, इसके अक्रॉस जितना वी है, इसके अक्रॉस जितना वी है, वी तीनों को कंपेयर करके मेरे पास ये बन गया। उसके बाद रिलेशनशिप को मैंने बेटा कट शॉर्ट करके ये मेरे पास रिजल्ट बच्चों बन गया। राइट बेटा, डियर चिल्ड्रन चले आगे। अरमान, आदित्य, ठीक है पुत्र, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है मेरा पॉइंट बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की फॉर्म में। आइए मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूं इसकी, एंड लेट अस कंसंट्रेट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अवर साइड। लेट अस हैव दिस। आपको फाइंड द करंट इन दिस सर्किट, एक सर्किट आपको दे रखा है मैं ड्रॉ। दमनेश, आर इफेक्टिव इसमें क्या होगा? इनका बेटे आर इफेक्टिव तीनों पैरेलल में है, तीनों ही पैरेलल में है पुत्र। पैरेलल वाला फॉर्मूला निकाल लीजिए, जो भी आएगा दैट विल बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टेंस। आपको एक नेटवर्क दे रखा है रेजिस्टेंसेस का, ये मैं बना देता हूं डायग्राम। और ये पुत्र सेल, यहां पे 12 ओम, यहां पे अगेन 12 ओम, अगेन 12 ओम, अगेन 12 ओम, और ये 3 वोल्ट का बैटरी है, 12 ओम, 12 ओम एंड 12 ओम, चारों रेजिस्टेंसेस। आपको करंट थ्रू द ईच रेजिस्टेंस बेटे निकालना है, 3 वोल्ट की बैटरी है, बाकी सब आपके सामने। फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस बेटा। ऑप्शंस में लिख देता हूं, पहला ऑप्शन है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, देन इट इज 3 एम्पियर, फोर्थ ऑप्शन है 0.25 एम्पियर। चेक करिए, ओके 0.25। अरमान क्यों पुत्र? अरमान, हाँ जी, समवन हैज रेज हैंड, आई कुड नॉट सी, किस बच्चे ने हैंड रेज किया है? अरमान, अरमान यू रेज द हैंड बेटे। अरमान नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा बेटे। हाँ जी बेटे बोलिए, यू आर अनम्यूटेड अरमान। सर गलती से हो गया था। ओके 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 ओके, सारे बच्चे पुत्र चेक करो करंट कितना आ रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डियर चिल्ड्रन, अरमान का आंसर ठीक है बिल्कुल, बाकियों का भी ठीक है। आपने टोटल करंट निकाल लिया, एंड टोटल करंट हमारे पास जो है डियर चिल्ड्रन देखिए 12 12 12 12 4 ओवर 12 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। दिस इज 4 ओवर 12 पैरेलल में लगाओगे तो दिस इज 1/3, आर इक्विवेलेंट 3 आ गया, और आई टोटल कितना बन गया, बी अपॉन आर, आई 1 एम्पियर बन गया। आपकी बैटरी 1 एम्पियर का करंट जो है ये दे रही है, ये बराबर के 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इट विल बी 0.25 एम्पियर ईच। सो हर एक कंडक्टर में 0.25 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। डी ऑप्शन आपका बच्चों बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस, ठीक है पुत्र, सारे बच्चों का ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिएगा इसको बेटे। आपको दिया गया है एक और स्टील सर्किट दे रखा है, ये पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं उन्होंने ज्यादा। आइए एक और लिख देता हूं, आप इसको कंप्लीट करिएगा। आपको कहा गया है
आपके पास एक ये 8 ओम का रेजिस्टेंस है, कल भी हमने एक ऐसा किया था, और ये एक आपके पास 4 ओम का, और ये एक आपके पास अगेन 8 ओम का। आई रिमेम्बर कि कल भी हम कुछ ऐसा कर रहे थे। दिस इज A1, एमीटर नंबर 1, और 8 वोल्ट का बैटरी, और यहाँ पे एमीटर नंबर 2 लगाया गया है। आपको डिफरेंस इन द नहीं, डिफरेंस नहीं दिया हुआ बेटे आपको, आपको लेट मी एडजस्ट द कैमरा। यस, अब देखिएगा डायग्राम को। 8 वोल्ट का बैटरी है, ये 8 ओम का, 4 ओम, 8 ओम, A2 एमीटर, A1 एमीटर आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट आई कितना है सर्किट में, ये निकालना है। फटाफट करके देखिएगा डियर ऑल, ऑल ऑफ यू, दोनों पैरेलल में, इनका इफेक्टिव इसके साथ सीरीज में। लेट मी डू दिस। 1/4 प्लस 1/8 इज 1/r, 8, 2 प्लस 1 V/8, एंड R इज 8/3 ओम। ये इसके साथ सीरीज में है, R इफेक्टिव बन गया 8 प्लस 8/3, 32/3 ओम, और आपको करंट निकालना है। यस, करंट आई वी अपॉन आर, 8 अपॉन, ये आ जाएगा 24/32, 0.75 एम्पीयर। ठीक है जी, आपने निकाल दिया है, दैट्स नाइस। तो यही लास्ट पार्ट था आपके पास। एक बेटा बिफोर आई, हाँ जी बेटे अरमान, बिल्कुल ठीक है। बिफोर आई एंड अप ओवर हियर बेटा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट पूछना है या बताना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, एनीवन फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन। कोई पॉइंट आपको पूछना हो, कोई पॉइंट आपको बताना हो पुत्र जी, सारे स्टूडेंट्स बेटा। यस डियर ऑल, अरमान, अर्शीन, चांद, कवनेश, ओके बेटा। सो बेटे आई एंड अप द मीटिंग ओवर हियर, थैंक यू बेटा। वी विल बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू ऑल।